वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। आपका नाम? ज़ारा नाज। क्या करती हो? फर्स्ट ईयर। मुझे बताओ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा मैथ्स। अच्छा, लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोटे को आई डोंट नो। हेट दिस क्वेश्चन, क्या सुनाऊंगी? अच्छा, पोएट्री सुना देती हूँ। ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, लेकिन अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत के सुपुर्द कर देगा तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। नाइस, ये कहाँ से लिया है? मॉल से। कितने की आई है? टू डोंट माइंड। अच्छा, अच्छी लग रही है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके देखे। बहुत अच्छी पोइट्री थी और एक बिलीव था इसमें। आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी पसंद आनी चाहिए, यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। और फूड कोर्ट एरिया में लोग जो हैं वो खाना शाना खा रहे हैं, हम भी कुछ खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मिसेस लुबना। जिशान। कौन सी क्लास? 8। अलीना, क्लास 3। नाइस नेम। ईमान। क्लास? पीजी आयरस। अनुशे। इसके बहुत बड़े अच्छे बनाए, किसने बनाए? आपका नाम? जिदान। क्लास? हुरोज। निम्रा 7। इतने रेड क्यों हो रहे हो? चलो मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? आप सो रहे हो, आपको भूख लगी हुई है, जब आप उठे हो सुबह, बेटा सामने देखो टीवी में, ठीक है, आप लोगों के पास बहुत सारे एप्पल्स अंडे पड़े हुए वट एवर, कितने खा सकते हो आप सुबह सुबह? बिल्कुल खाली पेट है, बहुत भूख लग रही है। एक नहीं। कितने खा सकती हो? एक या दो। दो, दो। नहीं खा सकती। तुम्हें तो खाना चाहिए। बोलो। तो सब भूख नहीं लगती। आपका कलर किस पे गया? बड़ा प्यारा। फैमिली में किसी का नहीं है। किसी का भी नहीं है? वाह, आप कितने खा सकते? एक। और आप? आप मैं दो। मैं दो खाऊंगी। हो गया। और आप? एक। एक। चले जी, सबने गलत जवाब दिया। क्या सुनाएंगे? रेसिपी मैं आपको स्पैगेटीज की रेसिपी बताऊंगी। स्पैगेटीज में सबसे पहले उसको बॉईल करते हैं, फिर ऑनियन को चॉप करके उसकी ग्रेवी बनाते हैं, उसमें टमाटो, वेजिटेबल, चिकन, चाइनीज सॉल्ट, काली मिर्च सब कुछ ऐड करके फिर उसमें बाद में स्पैगेटीज डाल देते हैं और मिक्स करके फिर उसको सर्व कर देते हैं। थैंक यू। मैं आपको पहली सॉन्ग सुनाऊंगा। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव वो सो हाई, like a diamond in the sky. Wow. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the lay, one for the little boy who lives down the lane. Wow. Ringa, ringa, roses. Ringa, ringa, roses, a pocket full of roses. Husha, husha, we all fall down. Wow. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Very wow. Nice. इसमें कुछ होता भी है? Wow. लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू बच्चों। लाहौर न्यूज लौड़ियां दी जाने। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, बहुत खास से जो दो छोटी बच्चियाँ थी वो बहुत क्यूट थी, और मैंने बस चाबी एक देनी होती, ट्विंगल ट्विंगल आ गए सब शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा ट्विंगल ट्विंगल शुरू हो गई और कुछ ना,
ट्विंकल आके ही रहती है बच्चों को, आई डोंट नो व्हाई, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। चलो सवाल करते हैं। एक लड़की थी 30 साल की, लड़का है 25 साल का, दोनों की शादी नहीं हो सकती, क्यों? लड़का है 30 साल का, एक लड़की थी 30 साल की, लड़का है 25 साल का, दोनों की शादी नहीं हो सकती, क्यों? लड़की 25 साल की, लड़का 30 साल का, शादी क्यों नहीं हो सकती बताओ? लड़का नहीं मान रहा होगा, ये फैमिली नहीं मान रही होगी उसकी। सब माने में क्या सुनाओगे? मैं एक सॉन्ग सुनाता हूँ। है तू सफर मेरा, है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। है तू सफर मेरा, है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल मेरी। अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, इन्होंने जो है वो एक अच्छा सा सॉन्ग जो है वो सुनाया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अबू बकर। क्या करते हो? बिजनेस। इस चीज का? सरिये का। मुझे बताओ, वोट दिया था इस दफा? वोट दिया था। किसको दिया था? शेर। अच्छा, मुझे बताओ इस दफा जो 2018 के इलेक्शन हुए, हाँ जी, जनरल इलेक्शन किस डेट को हुए थे? जनरल इलेक्शन जिसमें आपने वोट दिया शेर को, वो कब हुए थे? वोट दिया था ना? वोट तो दिया था, लेकिन अगर आपका क्या फायदा, वो तो हार के फिर भी शेर। शेर तो उनकी किस्मत। चलो, तो तुम्हें पीटीआई नहीं पसंद? हाँ जी। पीटीआई नहीं पसंद आप? हाँ। क्यों? वो अच्छा नहीं लगता। नहीं, शेर होता ना। नहीं, उसका काम के लिहाज से बताओ। काम तो फिलहाल तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आने वाले वक्त में वो बदल सकता है सब कुछ। चलो, क्या सुनाओगे? गाना। अस्सलाम वालेकुम। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना, चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं, कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं, चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे दे दो सारे गम, ओ दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सलम, ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सलम। न्यूज़ की तरफ से आपके लिए अच्छी आवाज़ आप। शुक्रिया जी, इन्होंने बहुत अच्छा गाना सुनाया, इनकी आवाज़ भी अच्छी थी, इन्होंने प्रेजेंट भी अच्छा किया गाना, और ये गाना जो है बहुत फेमस हुआ था। तीन हीरो थे इस गाने में, विवेक ओबराय, आफ्ताब, और तीसरा जो है वो एकता कपूर का भाई उसका नाम मुझे भूल गया है। तो खैर, ये उनके ऊपर गाना है, और ये बड़ा एक फेमस हुआ था गाना, अच्छा था। किसी और से बात करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। का माय नेम इज उस्मान। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। ओके, चलो सवाल करती, ठीक है जी, जी। मुझे बताओ, इंसान के अलावा वो किसके बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को देखकर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं? इंसान के अलावा बंदर। सुनाओगे सॉन्ग? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से क्यों डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से क्यों डरता है दिल। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम
जी प्यार से डरना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है प्यार, और प्यार ज़रूर करना चाहिए। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ लाइफ में अच्छा ही हो, कभी कभी प्यार करने वालों के साथ बुरा भी हो जाता है, मगर प्यार करना ना छोड़ें। और ज़रूरी नहीं प्यार आप अपने लाइफ पार्टनर से ही कर सकते हैं, प्यार आप अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, हर एक से कर सकते हैं। तो कीप लव। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना जाहिद फारूक। क्या करते हैं? मेरा फूड सप्लीमेंट का बिजनेस है। ओके, चले मुझे बताएं, एक आदमी था, उसके घर में एक चौकीदार था। चौकीदार ने ख्वाब में देखा कि उसका मालिक जो है उसकी फ्लाइट है और प्लेन क्रैश हो गया और वो मर गया। उसने अपने मालिक को बताया, मालिक ने उसकी बात मानी और वो जहाज पे नहीं गया। शाम को मालिक टीवी देख रहा था तो वहाँ पे खबर आई कि वो जहाज क्रैश हो गया। वो खुश हुआ कि मैं बच गया। उसने जाके अपने चौकीदार को बहुत अप्रिशिएट किया, उसे भारी इनाम दिया, पैसे शैसे दिए और उसको नौकरी से निकाल दिया। तो उसको नौकरी से क्यों निकाला? नौकरी से क्यों निकाला उसको? ये तो पिछले काफी अरसे से जोर पकड़ा हुआ है हर एक ने कि मुझे क्यों निकाला। वो भी सोच रहा होगा कि मुझे निकाला क्यों है। तो आपने बताना है उसकी सोच खत्म करनी है कि उसे क्यों निकाला। नहीं, मुझे नहीं इसका। क्या सुनाएंगे आप? मैं बस ये मुल्क कौम के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क हमें दिया है और इसको हमने मिलजुल के ही आगे की तरफ लेके जाना है, क्योंकि इसके साथ जितनी आज तक मुल्क के अंदर कोई जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, अब हमने एक दूसरे पर तनकीद करने की बजाय बेहतर तरीका ये है कि हम सारे मिलजुल कर इस मुल्क की बका के लिए, फलाह के लिए अपना अपना रोल प्ले करें। हम सारे ये ख्वाहिश तो करते हैं कि मुल्क ने हमें क्या दिया, कभी ये हमने सोचा ही नहीं कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। जब हम इस जिम्मेदारी को लेना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर बंदा अपनी अपनी जगह पे सेटिस्फाई भी होगा। और इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है, जैसी हमारी कौम है, फौज है, दूसरे अदारे हैं, वो सारे एक पेज पे हैं। आवाम को भी चाहिए कि इन अदारों को सपोर्ट करें और मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया की तारीख का एक बेहतरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए। थैंक यू। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की दर्शक। थैंक यू जी। लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जाने। वेलकम जी। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, ज़रूर इस पर इम्प्लीमेंट करें और बाकी अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करें, खाली इसको मांगते ना रहें कि हमें दो, खुद भी अपने मुल्क के लिए करें और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।